कल का दिन है आपके पास। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी? इंशाल्लाह, ऑपरेशन के बाद शी विल बी फाइन। अब क्या होगा? जब उन्होंने हाथ बढ़ाया, पापा मेरी एडवांस सैलरी का लोन अप्रूव हो गया है। बेटा लोन? अम्मी ने भी तो अपना गोल्ड रखवा कर लोन लिया था मेरी एजुकेशन के लिए। नेशनल बैंक आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ता। NBP एडवांस सैलरी लोन से हासिल कीजिए 20 लाख तक की फाइनेंसिंग, तेज तरीन प्रोसेसिंग, कम तरीन मार्कअप। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले डैम की बात हो रही थी, पानी की बात हो रही थी। मज़ीद आप क्या कहेंगे? खैर, हम नून लीग पर वापस आ जाते हैं और बात करते हैं। मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो भी काफ़ी हमें ना मतलब गुस्से में दिखाई दे रही है। मरियम औरंगज़ेब जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लफ्ज़ों पर काबू रखते हुए, लेकिन उनका गमो गुस्सा जो है ना मतलब वो नश्तर बरसा रही होती है। मरियम औरंगज़ेब की हैसियत क्या है? तो टक्के की भी हैसियत नहीं है। ये सिर्फ अपनी वफादारी निभा रही है कि देखो मैं इतनी आपकी वफादार हूँ। बाकी इसका बैकग्राउंड और इसका ये वो कैसे आई, कहाँ से आई, अब छोड़ो, वो हमारा मसला नहीं है, लोगों को पता है, समझे? तो वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो उसको बोलना है बोलने दो, कम से कम उसकी भड़ास निकाल के अपनी वफादारी का सबूत देने दो उनको। सही, सारे ले दे के जो इल्ज़ाम, अब वो नहीं देख रहे कि यार इस तरह मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए या अरबों का या करोड़ों का घपला किया गया, उस पर वो कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी साबित नहीं हुआ, अभी साबित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, लेकिन ले दे के हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। जिनको भी मिले हैं वो सारे के सारे इन्हीं के ही फ्रंट मैन थे। हाँ। सारे के सारे इन्हीं के साथ थे। ये किससे ढकी छुपी बात है जो जिससे ये डिनाई कर रहे हैं? हाँ, अभी अगर कोई हो कि इमरान खान ने किसी अपने रिश्तेदार को या किसी अपने को कोई ठेका दे दिया तो फिर वो हकबा जानब है कि वो उंगली उठाएंगे, जी ये आपने दिया है। अपने आप को गलत तो किसी सूरत इन्होंने समझना ही नहीं है ना। ये करप्शन केस जमात सामने हो गए, जेल की हवा भी लग गई, सारा सिनेरियो सामने है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी है। जो बंदा 30-30 करोड़ की घड़ी पहन सकता है तो वो किसके पैसे थे? हमारे आपके पैसे थे, सही समझा? जो बंदा सोने के बाथरूम बनाता है वो किसके पैसे? हमारे पैसे। उन पे अयाशी, इमरान खान यही तो रोना रो रहा है कि पैसा पब्लिक की टैक्स का और इनके बाथरूम भी सोने के। और खुदा के लिए जिनका पैसा है उनको कुछ तो दो, सही समझा? और वो तो यही रोना रो रहा है ना कि जी मुझे तो जो है वो हिसाब लेना है और अवाम को वापस करना है। अगर वो ये नियत लेके आया है और अल्लाह उसको इस नियत पे कामयाब करे तो ये तो सबके लिए। पहले ये होता था कि मुझे क्यों निकाला, अब ये होता है कि मुझे क्यों पकड़ा। हाँ, अब मुझे क्यों पकड़ा, फिर वक्त आएगा वो कहेगा खुदा के लिए मुझे इस मुल्क से निकालो। सही सही बात है। अच्छा, आप क्या, आपको क्या लगता है मतलब अभी उनको 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पे भेजा है और मजीद क्या कुछ नून लीग का रद्द अमल आप क्या देख रहे हैं? कुछ ठंडे बैठ जाएंगे ठंडे होके या कुछ शदीद गम गुस्से की कैफियत सामने आएगी उनकी जानिब से? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी जो इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं जिसमें हमने अभी डिस्कशन किया बातों को, अब ये 2-4-5-6 दिन वो, अब वो दौर गुजर गया कि वो जनाब जुलूस निकल रहे हैं, रैलियां निकल रहे हैं, नारेबाजी तो की जा रही है। नारेबाजी को आप छोड़ दें, नारेबाजी तो वो एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा धरना लगाना है ना कौन सी बड़ी बात है, हम क्या करते हैं कि सुबह को निकलते हैं कि वो बेचारे हजारों मजदूर जो है वो रोड के किनारे बैठे होते हैं अपने कुदाल और वो लेके के कोई हमें मजदूरी मिल जाए, कोई आ जाए, वो उनको जाके हजार हजार रुपए मजदूरी देते हैं, वो 100-200 लोग उठाते हैं जाके रोड पे बिठा देते हैं, ये धरना लग गया।
अच्छा समझा, रोड ब्लॉक हो गया, धरना हो गया। तो ये नारे और ये धरने और ये जो है, आपको क्या लगता है ये धरना सिस्टम जो है अब खत्म होना चाहिए? हो जाएगा खत्म, अब नहीं हिम्मत इनकी जाए अब जाके। देखिए एहतजाज सबका हक है, एहतजाज करें आप, लेकिन इस तरह लोगों को तकलीफ ना दें धरने कर कर। मैं कहता हूँ एक आम आदमी का भी हक है एहतजाज करना, मुझे भी हक है, आपको भी हक है, एक गरीब आदमी को हक भी है, एक जो रेडी चलाता है उसको भी एहतजाज करने का हक है। वो आराम से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, उसका एहतजाज ऊपर तक पहुंच जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि रोड पे खड़े होके सरकारी इमलाक को आग लगा दे, रोड ब्लॉक कर दे, सारी शहर को परेशान कर दे, तो ये कोई। अच्छा अब आपको क्या लगता है कि लोगों के मसाइल जो है वो हल हो पाएंगे इंशाल्लाह? लोगों की जो आवाज जो है वो सुनी जाएगी इंशाल्लाह, लोगों की आवाज दबाई तो नहीं जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, लेकिन बशर्ते के उसके लिए टाइम चाहिए। अगर हम कहें कि ये कल ही हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा, तो भी इतना जल्दी नहीं होगा, उसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ेगा, सब्र भी करना पड़ेगा, अल्लाह से दुआ भी करनी पड़ेगी कि ये आप हमारे लिए जल्द और हमारे लिए कोई अच्छा मसीहा साबित कर इसको, ताकि हमारे लिए कुछ अच्छा करे। और मतलब अच्छा। कुछ हमने वही ना तब्दीली तब्दीली तब्दीली, लेकिन कुछ तब्दीलियां हम देख रहे हैं जो कि फैक्ट है आ रही हैं। बिल्कुल इब्तिदा तो हुई है, यानी हम ये कहने के काबिल तो हुए कि तब्दीली कुछ नजर आ रही है, हम ये कह सकते हैं कि तब्दीली नजर आ रही है और आ नहीं रही, आगे भी आएगी और मजीद तब्दीलियां हमें जो है वो नजर आती रहेंगी। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए लास्ट में ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है ना, हकूमत की भी हमारी भी आपकी भी हम सबकी नजरें जो हैं हकूमत में भी हैं और अवाम में भी हैं। अब अवाम को भी बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो कर रही है। अवाम सपोर्ट कर रही है और इसी तरह अगर अवाम की भी सपोर्ट जारी रही और कुछ लोग जो मैं ना मानूं कि रट लगाए हुए हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि वो इमरान खान को छोड़ दें, अपने वतन के लिए कुछ करें, शायद आखिरत उनकी संवर जाए अपने वतन की खिदमत करते करते, उनके लिए भी कुछ करें। आप सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में अपने वतन को खराब मत करो, उसको इधर उधर ना करो। ये वतन है तो हम हैं, ये वतन नहीं होता तो आज शहबाज शरीफ तो उनका जो कौन सा वो जाति उमरा जो अमृतसर में गांव था उधर ये अभी तक नलके लगा रहा होता। सही बात है, जंग सिर्फ इक्तदार की है, तो यह है कि मुल्क के लिए सोचें और मुल्क को किस तरह से तरक्की की जानिब गामजन करना है उसके बारे में सोचें और आवाम के बारे में सोचें। आवाम जो है अब बहुत तंग हो चुकी है, लिहाजा आवाम का ख्याल रखा जाए और मुल्क का ख्याल रखा जाए। इसी के साथ ही अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कृपा। इतनी बड़ी एडमिशन फी? छोड़े पापा, मैं किसी छोटे कॉलेज में पढ़ लूंगा। हजारों में शॉर्टलिस्ट हुआ है और कहता है छोड़े पापा। जब ये बैंक में रखवा दे, काम आ जाएगा, जब पैसे होंगे निकलवा लेंगे। नेशनल बैंक कैश एंड गोल्ड दे रहा है आपको सोने के बस आसान कर्जे की सहूलत, ताकि आप अपना सरमाया बेचे बगैर हासिल कर सकें कर्जा नहायत आसान शराइत पर। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।